लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने विपक्षी दलों में खलबली मचा रखी है। अलग अलग एजेंसियों और चैनलों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। यूपी में लगभग हर जगह एनडीए को बढ़त मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन काफी पीछे नजर आ रहा है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। कहना क्या है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कितनी सीटें आएंगी, क्या लगता है अखिलेश? देखिए, जो आप लोग कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग करेंगे वो नहीं होना है। होना तो वही है जो अभी है, लेकिन आप लोग अधिकारियों पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं। तमाम लोग, जिसका दाना उसका गाना, और आप खुद सोचिए, वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो ये कि उन्होंने पीठ कर लिया जनता की तरफ। इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। अखिलेश, लगता क्या 400 पार का जो इनका नारा रहा है, कितना संभव हो पाएगा? देखिए, 400 पार आपको खुद समझना चाहिए, आप तो इतने बड़े चैनल हैं। 400 पार का मतलब क्या है? 543 के बाद आप खुद बताइए ना कितनी हुई। अगर 400 पार मुझसे पूछ रहे हैं आप, तो 543 के बाद 400 पार कितनी हुई? 143, और आप देखिएगा 140 से ऊपर नहीं जाएगी। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। सपा प्रमुख ने अपने पोस्ट में लिखा कि इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपा सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे न होते और सच में बीजेपी हार न रही होती, तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। चंडीगढ़ चुनाव की दिलाई याद। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। बीजेपी से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक न करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।